गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हुए इमरान खान, पुलिस वारंट लेकर घर पहुंची थी, तलाशी ली तो पाक के पूर्व पीएम मिले ही नहीं। मेघालय में भाजपा ने सरकार बनाने की कवायद शुरू की, दोनों विधायकों को मंत्री बनाने को कहा, एनपीपी को समर्थन दे रही पार्टी। चीन में शी जिनपिंग और ताकतवर राष्ट्रपति कार्यकर्ता तीसरी बार बढ़ेगा, पीएम समेत कई मंत्रियों को भी हटवाएंगे। अमेरिकन एयरलाइंस में भारतीय छात्र ने पेशाब की, नशे में धुत था, एयरलाइंस ने बैन लगाया, न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट की घटना। जम्मू कश्मीर में पूंछ में नार्को टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, हथियार और 2,30,00,000 की नकदी बरामद। यूएनएचआरसी में पाक को भारत का करारा जवाब, कहा मानव अधिकारों पर आपकी बातें मजाक, पाक सुधारे अपनी हालात। तुनिशा सुसाइड केस में सिजान को मिली जमानत, बाहर निकलते ही मां और बहन को लगाया गले, 70 दिन से थे जेल में। भारत में बनाए जाएंगे छोटे विमान, प्रोडक्शन के लिए एम्ब्रेयर और सुखदेव से हुई बातचीत, दूरदराज के लोगों को मिलेगा फायदा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबॉट की नड्डा से मुलाकात, बीजेपी को जानो अभियान के तहत में हुई बातचीत, विदेशी लोगों को दी जाएगी भाजपा के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र में बना दुनिया का पहला बंबू क्रैश बैरियर, बहुबली नाम दिया गया, नितिन गडकरी बोले ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में खास उपलब्धि। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू, सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया सामने, कहा जनता के सवाल सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी कांग्रेस। कोटद्वार के बेस अस्पताल की सेवाओं को मजबूत करने की कवायद शुरू, स्पीकर ऋतु भूषण खंडूडी ने दिल्ली एम्स का लिया सहारा, दिल्ली एम्स डायरेक्टर और उनकी टीम के साथ किया निरीक्षण। देर रात रुड़की पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेसवे की तैयारियों का लिया जायजा, 2025 तक 6 लेन एक्सप्रेसवे को किया जाएगा तैयार। उत्तराखंड हज कमेटी ने हज यात्रा 2023 की तैयारियां की शुरू, अब अकेले हज का सफर कर सकेंगी महिलाएं, कई नियमों की बाध्यताओं से मिलेगी छूट। उत्तरकाशी में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके, नींद से जगकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे लोग, प्रशासन ने लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की।